तो बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल फूड फटाफट में। और दोस्तों आज की ये वीडियो थोड़ी सी अलग है क्योंकि इस वीडियो में ना हम करने वाले हैं इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हो कि अब बड़ा सा ह्यूज बॉक्स मेरे पास आज आ चुका है। और ये कहाँ से आया है? ऑल द वे फ्रॉम बिहार। जी हाँ दोस्तों, बिहार में सिलाव से आया। और सिलाव का जैसे कि आपको पता है कि खाजा जो है वो बहुत फेमस है, तो वो मैंने मंगवा लिया आज अपने लिए। क्योंकि देखिए बिहार में अक्सर जाता रहता हूँ, खैर बिहार के रहने वाला हूँ, तो मेरे को खाजा जो है ना बहुत पसंद है। और अभी मैं बैठा हूँ पंजाब में, तो अब क्या हुआ ना, सबसे अच्छी खास बात क्या है कि नहीं, यहाँ जहाँ से मैंने ये मंगवाया है ना, उनका जो डिलीवरी सिस्टम वो इन्होंने इतना अच्छा कर दिया ना कि वो कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी आपको ये खाजा डिलीवर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ काली सा खाजा की, जो कि सिलाव की बहुत ही मानी और जानी जो दुकान है ना वो है। और यहाँ पे ना आपको अलग अलग सेलिब्रिटी जाके ना खाजा खाते हुए दिख जाएंगे। और इन्होंने बहुत अच्छी ऑप्शन रख दी है लोगों के पास कि आप दुनिया में कहीं भी हैं वहाँ से, मतलब इनकी दुकान से आप खाजा मंगवा सकते हैं। तो चलिए इस बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं, यानी कि खोलते हैं और दिखाता हूँ आपको इसके अंदर से मतलब किस तरीके का जो खाजा है वो निकलता है। भाई मेरे को तो खाजा बहुत पसंद है, और आप देखें किस तरीके से इन्होंने पैकिंग करके भेजी है। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ इनकी पैकिंग बड़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। ये जो थर्माकोल का बॉक्स है ना, बिल्कुल ड्यूरेबल बॉक्स है, और इन्होंने मुझे बिहार से पंजाब ये बॉक्स भेजा है। आप देख भी सकते हैं सारा स्टिकर वगैरह, मतलब अच्छे से पैकिंग की हुई है इन्होंने, है ना। तो भाई पैकिंग तो मेरे को बड़ी पसंद आई इसकी। अब इसको खोल के देखते हैं कि अंदर से जो खाजा है वो किस तरीके का निकलता है। आ जाओ। तो दोस्तों इसकी जो पैकिंग है ना वो बड़ी ज़बरदस्त की हुई है। तो ये थर्माकोल का जैसे मैंने बताया कि बड़ा ही ड्यूरेबल सा बॉक्स है, तो मैंने तीन तरफ से तो काट दिया। और देखिए इसका ये ढक्कन सा खुल गया है थोड़ा सा, और अरे वाह, अंदर देख रहे हो दोस्तों क्या ज़बरदस्त पत्तों के अंदर जो पैकिंग की हुई है, बहुत बढ़िया जी। ओए होए होए होए, ये देखो किस तरीके से इन्होंने पैकिंग करके भेजी है, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से जो पत्ते यूज़ किए हैं, है ना। जैसे बिहार में भी जब खिलाते हैं ना किसी को तो पत्तल में खिलाते हैं, तो ये देखो इस तरीके से इन्होंने ये बॉक्स के अंदर भेजा है खाजा। और खाजा देखो क्या मज़ेदार, बिल्कुल फ्लफी सा, ओए होए, बिल्कुल लाइट वेट। और मैं क्रंच सुनाता हूँ आपको, देखो खाजे की खास बात क्या होता है ना, बिल्कुल क्रंची होता है, फ्लेकी होता है। ये देखो, देख रहे हो क्या मस्त फ्लेकी सा है ना, बहुत बढ़िया। और पूरा का पूरा बॉक्स दोस्तों 1 kg का है। और मैं इसके प्राइस रेंज के बारे में बताता हूँ आपको, आप भी अगर मंगवाना चाहते हैं ना, तो साइड में आपको ना प्ले स्टोर, जैसे आप अपने मोबाइल के अगर एंड्रॉयड में जाते हैं तो वहाँ पे ना जो आपका प्ले स्टोर है उसके अंदर जाइए, काली सा सर्च करिए, आपको ऐप मिलेगी इनकी। और उस ऐप में ना आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे बहुत सारे अलग अलग तरीके के खाजा के, तो उसमें से आप देसी घी वाला या मीठा वाला खाजा आप अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं, जितना आप ऑर्डर करना चाहते हैं कर सकते हैं। प्राइस जो है वो आपका जो कुरियर चार्जेस है वो उसमें इंक्लूडेड है, तो उसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, जितना प्राइस दिखा रहा है। जैसे कि 1 kg जो देसी वाला घी, देसी घी का जो है वो मेरे ख्याल से 1199 रुपये का है, और जो मीठा वाला है वो 550 रुपये कुछ का है। तो वो चेक कर लीजिएगा आप कितने का है, तो उस हिसाब से आप वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। किसी भी पेमेंट के थ्रू आप, गेटवे के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, और आसानी से घर बैठे अपना जो खाजे का बॉक्स है वो मंगवा सकते हैं, और बिहार के जो स्वाद है ना उसका आनंद ले सकते हैं। तो एक बार टेस्ट करके देखेंगे कैसा है। वैसे तो आपने इसकी वीडियो ना मेरे चैनल पे देखी होगी, नहीं देखी तो मैं लिंक डाल दूंगा, देख लीजिएगा किस तरीके से इसको बनाया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है दोस्तों, इसकी जो लेयर्स है ना बहुत सारी निकाली जाती हैं, उसके बाद इसको फ्राई किया जाता है, और उसमें से ये फ्लेकी जो है ना ये पूरा खाजा जो है वो बनता है। और इनको भेजने का जो तरीका है ना दोस्तों, मेरे को बड़ा अच्छा लगा किस तरीके से इन्होंने पैकेजिंग की है, अच्छा सा बॉक्स लेके, ताकि जो हमारे जो खाजा है वो ख़राब ना हो, है ना, टूटे ना। पूरे पूरे पीसेस देखिए इस तरीके से आए हुए हैं, है ना। थोड़े बहुत पीसेस तो दोस्तों टूट भी जाते हैं अगर डिलीवरी आप करवाते हैं कहीं भी, है ना, तो उसमें कोई वो नहीं है, खाना ही है। और एक चीज़ और बताता हूँ, इस खाजा को ना अगर आप दूध में डाल के खाते हैं ना तो वो और भी अच्छा लगता है। दूध डालिए हल्का सा गर्मा गर्म, और इसके मतलब दूध के अंदर खाजा डालिए और खाइए, बड़ा मज़ा आएगा। तो चलिए इसको फ़िलहाल तो हम ऐसे ही टेस्ट करते हैं। ये देखो क्रंचीनेस देख रहे हो कितना है, ओए तो ये मैं क्या बात है दोस्तों, इनकी दुकान पे ना, काली शाह की दुकान पे आपको ना एक तो ये अपना खाजा मिल जाता है, और दूसरा एक अनरसा होता है जो खोए वाला अनरसा होता है, चावल का बनता है, खोवा और चावल का, वो भी बड़ा ज़बरदस्त मिलता है। तो ऐप में आपको उसकी भी ऑप्शन दिखेगी, आप वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी शेल्फ लाइफ होती है दोस्तों 1 महीने की, 1 महीने तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। आप ऑल ओवर वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया में कहीं भी बैठे हैं ना, आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं आसानी से। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया ना, ये दूध में डाल के खाने में ना और मज़ा आता है, तो एक पीस और निकालते हैं बढ़िया सा। ये देखो क्या बात है, अब देखने में आपको ये बहुत मोटा लग रहा होगा, मगर ये बिल्कुल फ्लेकी है दोस्तों अंदर से ना। ये देखो
ओए ओए देख रहे हो बिल्कुल फ्लेकी है। और दोस्तों सिलाव के खाजे की ना खासियत यही होती है कि वो ना बिल्कुल पतला होता है, मतलब आपको मोटापा नहीं मिलेगा उसके अंदर, मतलब लेयर जो होती है ना बिल्कुल पतली पतली होती हैं। और जगहों पे आप खाते भी हैं ना आपको मिल तो जाएगा, मगर जो सिलाव का जो खाजा है ना वो नहीं मिलेगा, उसकी एक पहचान है। और पहचान से नाम से याद आया दोस्तों, इसको ना GI टैगिंग मिली हुई है, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है इसको बिहार सरकार की तरफ से। जैसे क्या होता है ना, वो GI टैगिंग क्या होता है, बेसिकली जो चीज़ जहाँ की फेमस होती है ना, जैसे बिहार की सिलाव में ये बनता है, वहीं से इजाद हुआ और वहीं की जो ये खासियत है मतलब, तो इसको यहाँ का टैगिंग मिला हुआ है इसको, मतलब बिहार का। तो ये देखिए किस तरीके से मैंने इसको डाल दिया इसके अंदर, अच्छे से मिक्स किया और थोड़ा सा इसको फूलने देंगे और उसके बाद हम बाइट लेके देखेंगे। फिलहाल लेयर्स तो खैर पतली हैं तो अभी फूल ही जाएगा 2 मिनट में। तो ये देखो मैं एक बाइट लेता हूँ। वाह, वाह जी वाह, हल्की सी मिठास है, ऊपर जो चीनी की कोटिंग होती है ना हल्की सी सिरप की, वो है, और मज़ेदार खाजा। अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हैं ना तो सारी डिटेल्स, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो वहाँ जाइए चेकआउट करिए, और प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करिएगा और वहाँ से आप अपना ऑर्डर घर बैठे भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप विज़िट करना चाहते हैं दुकान पे तो वहाँ जाके ज़रूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों ना वहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगी, जैसे कि नमकीन खाजा होता है उसकी ऑप्शन भी मिल जाएगी। अगर आप नमकीन वाला ट्राई करना चाहते हैं तो आप दुकान में डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में चेक करिए और हमें कमेंट करके बताइएगा आपने अगर घर पर मंगवाया ना तो आपको कैसा लगा, या फिर आपने सिलाव का खाजा कभी खाया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, है ना। तो चलिए इसको मैं फिनिश करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। आई होप ये छोटी सी वीडियो ना आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी, तो अगले वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा, बाय बाय।